भारतीय क्षेत्र में बीएसएनएल की संचार सेवाएं काफी समय से लगी हैं, परंतु बीएसएनएल की संचार सेवाओं के द्वारा अपनी लचर प्रणाली से आज तक नेटवर्क की बहुत बड़ी समस्या इस आपदाग्रस्त क्षेत्र में रही है। भारतीय नागरिक जो उम्मीद करते हैं कि धारचूला में आइडिया और एयरटेल 4G नेटवर्क देंगे, वह भी खराब साबित हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर में नेपाल के सिम नमस्ते और स्काई के द्वारा भारतीय क्षेत्र के लोग अपना कार्य चला रहे हैं। सीमावर्ती क्षेत्र में जहां एक तरफ चाइना और नेपाल से लगे सीमाएं और भारतीय सुरक्षा के मानक को देखते हुए नेटवर्क की नितांत आवश्यकता है। मैं नौथन सिंह दरियाल ग्राम दरगाह निवासी, हमारे गांव दर में नेटवर्क का भारी प्रॉब्लम है। हम लोग वहां से कम्युनिकेशन के लिए धारचूला आना पड़ता है। धारचूला में नेपाली सिम यूज करके हम किसी तरह अपने काम चलाते हैं और हर क्षेत्र में नेटवर्क की सुविधा होगी, लेकिन दर में भी हमें सरकार द्वारा एक टावर की आवश्यकता है। नमस्ते और स्काई दूरस्थ भारतीय और नेपाली ग्रामीण क्षेत्रों में 4G की सेवाएं दे रहे हैं और इनके सिम धड़ल्ले से भारतीय बाजारों में मिल जाते हैं। ऐसे में यह आपदाग्रस्त क्षेत्र नेपाली सिम के रहमो करम पर है। मेरा नाम नरेंद्र राम है, मैं रोंगकांग में रहता हूँ। मेरे पास नमस्ते का सिम है, क्योंकि इंडियन सिम वहाँ काम नहीं करता है, तो नमस्ते का सिम से वहाँ काम चलाना पड़ता है। बहुत अच्छा टावर देता है आपका, गुंजी काला पानी यहाँ पे भी सभी नमस्ते का चलता है। नेपाल का सिम है, नेपाल सिम है, तो इंडिया का सिम कोई नहीं चलता है, इसी वजह से हम नेपाली सिम यूज करते। सेना के जवान हो या प्रशासन के लोग, सभी लोग मजबूरी में नेपाली सिमों का उपयोग कर रहे हैं। ऐसे में हमारी सरकार कब तक इन क्षेत्रों में नेपाली सिमों को बिकने देगी, क्योंकि यह हमारे देश की सुरक्षा का भी सवाल है। देखिए, हमारे यहाँ धारचूला सीमांत क्षेत्र में लंबे समय के बाद बीएसएनएल सेवा और मार्केट के नगर क्षेत्र में एयरटेल सेवा और जो है यहाँ पर जो है आइडिया सेवा उपलब्ध है, परंतु नहीं के बराबर है। इसमें इसका नेटवर्क खराब रहता है और जो है काम नहीं करता है, इसलिए जो है यहाँ के क्षेत्र की जनता नेपाली सिम लेकर नेपाली फ़ोन के सहारे अपना जो है नेटवर्क का चलाते हैं। धारचूला जो है ये चीन और नेपाल के बॉर्डर से लगा हुआ सीमांत क्षेत्र है, यहाँ पर नेटवर्किंग की थोड़ी प्रॉब्लम रहती है और सरकार उत्तराखंड सरकार के द्वारा SDRF से GPS सेटेलाइट फ़ोन बेस्ड प्रत्येक गांव को दिया गया है, जिससे जो है वो काम चलाएं और आवश्यकता पड़ने पर जो है वो एक दूसरे से बात कर लें। लेकिन उसकी कुछ काल दर जो है पर जो है लोगों ने प्रश्न उठाया है कि 12 रुपये प्रति मिनट है, तो उस पर भी बात चल रही है अभी SDRF से और भारत सरकार से बात चल रही है। हो सकता है भविष्य में और सस्ती भी हो जाए। और यहाँ जो टावर लगे हुए हैं इसकी एफिशियंसी पूरी क्षमता से काम नहीं कर रही है और साथ ही साथ जो है उसमें कुछ तकनीकी प्रॉब्लम भी आ रही थी बीच में, इस वजह से जो है यहाँ पर टावर जो है वो अच्छे ढंग से पकड़ नहीं रहे हैं। तो इसी कारण से जो है लोग नेपाल के टावर पर ज़्यादा भरोसा करते हैं और यहाँ जो बॉर्डर में रह रहे हैं वो नेपाली सिम का यूज़ कर रहे हैं। धारचूला से यूके लाइव के लिए नदीम परवेज की रिपोर्ट।